हे गाइस, स्वागत है आप सबको मिस्टर हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे भूख बढ़ाने वाली एक बेहतरीन दवा के बारे में। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि आपको भूख नहीं लगता है, खाना खाने की मन नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर हमें भूख नहीं लगेगा, खाना खाने की मन नहीं करेगा, तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी शरीर कमजोर हो जाएगा और शरीर में काफी सारे समस्याओं का उत्पन्न होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है, तो इसे आपको जितना जल्दी हो सके ठीक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे तो आजकल भूख बढ़ाने वाली काफी सारी दवाई मौजूद है, बट इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा सीपॉन सिरप के बारे में। दोस्तों, सीपॉन सिरप एक काफी इफेक्टिव एपेटाइट स्टिमुलेंट है। दोस्तों, सीपॉन सिरप भूख बढ़ाने के लिए एक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले और बेहतरीन दवा है। दोस्तों, सीपॉन सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें तीन अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, एक है सिप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन सिट्रेट एंड सोर्बिटोल सिरप। दोस्तों, जो सिप्रोहेप्टाडिन होता है, ये एपेटाइट स्टिमुलेंट का काम करता है, यानी ये भूख बढ़ाने का काम करता है। सीपॉन सिरप में जो ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है, ये बेसिकली एक बाइल एसिड होता है। ये लीवर को ज्यादा बाइल बनाने में हेल्प करता है, जिससे खाने की पाचन सही से होता है। इसके अलावा इसमें जो सोर्बिटोल होता है, सोर्बिटोल एक सिरप बेस होता है, इसे सिरप बनाने में यूज किया जाता है। ये एक लेक्सेटिव का भी काम करता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर हम सीपॉन सिरप की कीमत की बात करें, तो इसका कीमत 113 रुपए है। 200 ml की बोतल 113 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे तो सीपॉन सिरप के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसे भूख बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। ये भूख बढ़ाने का एक बहुत ही जबरदस्त दवा है। दोस्तों, अगर आपको भूख कम लगती है, खाना खाने की मन नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आप सीपॉन सिरप का यूज कीजिए। इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। इसके अलावा सीपॉन सिरप का यूज करने से आपके शरीर में ताकत भी बढ़ता है। ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। दोस्तों, सीपॉन सिरप वेट गेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे आपका भूख बढ़ता है तो ज्यादा खाते हैं, और अगर ज्यादा खाएंगे तो वेट भी गेन होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों, सीपॉन सिरप वेट गेन करने के लिए नहीं होता है। अगर आपका शरीर बहुत ही पतला दुबला और कमजोर है, आप महीने में 4-5 किलो वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, तो आप एवर हेल्थ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल का यूज करने से आपका बॉडी तंदुरुस्त हो जाएगा और आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आप इस आयुर्वेदिक वेट गेन कैप्सूल को लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, सीपॉन सिरप का यूज करने से लीवर और पाचन से जुड़े हुए समस्याएं भी ठीक होता है। तो दोस्तों, ये थी सीपॉन सिरप के फायदे। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सीपॉन सिरप का यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसे तो दोस्तों, सीपॉन सिरप एक सेफ दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारे शरीर को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाता है, बट तो भी इसे लेने से आपको इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहली साइड इफेक्ट, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकता है, यानी कब्जियत हो सकता है। दूसरी साइड इफेक्ट जो सीपॉन सिरप का यूज करने से हो सकता है, वह नींद न आने की समस्या हो सकता है। इसके अलावा इससे आपको चक्कर आ सकता है या मुंह सूख सकता है, ऐसे समस्याएं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, ये सभी नॉर्मल साइड इफेक्ट है। दोस्तों, जब भी आप सीपॉन सिरप का यूज करेंगे, सबसे पहले अपने डॉक्टर का सलाह लेंगे, और डॉक्टर आपको जैसे डोज बताएगा, उस हिसाब से ही सीपॉन सिरप का आप यूज करेंगे। डॉक्टर आपको जितने दिन तक बोले, उतने दिन तक ही इस सिरप का यूज करेंगे। और दोस्तों, सीपॉन सिरप के साथ आप भूल करके भी अल्कोहल का यूज ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लीवर और किडनी से जुड़े हुए समस्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, तब जाकर आप सीपॉन सिरप का यूज करें। और दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो भी आप सीपॉन सिरप का यूज करने से पहले डॉक्टर का सलाह लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को सीपॉन सिरप के बारे में सही जानकारी दिया है। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।